आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन का आयोजन पहली बार देश से बाहर हो रहा। 19 दिसंबर यानी आज आईपीएल 2024 की नीलामी होगी, जिसमें 10 टीमों में कुल 77 स्लॉट खाली हैं। सभी फ्रेंचाइजी के पास कुल मिलाकर 262.95 करोड़ रुपए पर्स में है। सबसे ज्यादा रकम आरसीबी के पास है, जिससे रिटेंशन डे के दिन अपने 11 प्लेयर्स को रिलीज किया था। वहीं गुजरात टाइटंस मिनी ऑक्शन में बड़ा दांव खेल सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का टीम को विकल्प ढूंढना है। क्रिकेट फैंस को आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन का बेसब्री से इंतजार है, जिसमें 333 प्लेयर्स पर बोली लगने वाली है। नीलामी के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 333 खिलाड़ियों में से 214 भारतीय हैं, जबकि 119 विदेशी प्लेयर हैं। 10 फ्रेंचाइजी के पास कुल 77 स्लॉट खाली है, यानी ज्यादा से ज्यादा 77 खिलाड़ी ही बिक सकेंगे। आईपीएल 2024 ऑक्शन के लिए आरसीबी टीम के पास सबसे ज्यादा पैसा है। आरसीबी के पर्स में 40.75 करोड़ रुपए है। ऐसे में आरसीबी टीम ऊंची बोली लगाते हुए प्लेयर्स को अपने खेमे में शामिल कर सकता है। पेंट कमिंस के लिए मुंबई इंडियंस ने 4.60 करोड़ रुपए की बोली लगाई। चेन्नई ने 4.80 करोड़ की बोली लगाकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 5 करोड़ बोली शुरू की। चैलेंजर्स और सुपर किंग्स के बीच जमकर बोली लगी। अंत में बैंगलोर और हैदराबाद के बीच भी जमकर बोली लगी। 20.05 करोड़ में हैदराबाद के हुए पेंट कमिंस।